हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अहम खबर आपको दें, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मंसूख करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया गया। ये फैसला 14 दिसंबर को महफूज किया गया था, आज सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने नैब की उस दरख्वास्त पर फैसला सुनाया जिसमें ये कहा गया था कि जिसमें नैब की इस तरह थी कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो एहतसाब अदालत से जमानत मंजूर हुई थी वो दुरुस्त नहीं थी और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया जाए। अदालत ने इस पर दलाइल सुने और उसके बाद फाजिल अदालत ने ये फैसला सुनाया है कि नैब की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जो उनकी जमानत पे मंजूर की थी एहतसाब अदालत ने वो फैसला दुरुस्त है, लिहाजा कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अब गिरफ्तारी नहीं देना पड़ेगी बल्कि नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। और इसमें कहा गया है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो जमानत मंजूर की थी एहतसाब अदालत ने वो दुरुस्त फैसला था और उसके उसमें जो एहतसाब अदालत ने इख्तियार इस्तेमाल किए थे वो दुरुस्त इख्तियार इस्तेमाल किए थे, उसके बाद अब नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बास से अपडेट कर रहे थे।